इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में आपने देखा होगा वर्णमाला 1, 2, 3 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। ऐसा नहीं कि मतलब स्टूडेंट बना ना पाए, बना तो लेता है, लेकिन आज के टाइम पे क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कम समय में उस क्वेश्चन को क्रैक करना, कि कितने कम टाइम में आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और यही आज हम सीखेंगे इस अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। और इतने आसान भी क्वेश्चन नहीं है कि आप ना देखे और आप कर लो, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा अल्फाबेटिकल सीरीज में। अल्फाबेटिकल सीरीज से लगभग 7 ये पॉइंट आते हैं, मतलब 7 तरीके की चीजें हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाती है। जैसे पहला है अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें, सीरीज इसे नाम है इसका, और इसका पहला जो टॉपिक है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज। मैं सारे के सारे एक बार नाम लिख देता हूं, अल्फाबेटिकल सीरीज। इसी के अंदर जो दूसरा आता है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तीसरा जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है पेयर फॉर्मेशन। ये तीन टॉपिक जो है ये बैंकिंग में यही तीन टॉपिक पूछता है। अगर हम बैंकिंग के एग्जाम की बात करें, बैंकिंग में ये तीन टॉपिक पूछता है। बाकी के जो टॉपिक्स बचते हैं जैसे लेटर सीरीज, चौथा है इसी के अंदर लेटर सीरीज। पांचवे की बात करते हैं तो पांचवा टॉपिक इसके अंदर आता है वर्ड फॉर्मेशन। क्या आता है? वर्ड फॉर्मेशन। छठा है डिक्शनरी, डिक्शनरी भी इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा डिक्शनरी में जब पेयर उल्टा सुलटा दे देता है और उसे सही करके लिखना होता है चार ऑप्शन में से कि डिक्शनरी का अकॉर्डिंग कौन सा होगा। और सातवां है जंबलिंग ऑफ वर्ड्स, जंबलिंग। तो ये 7 टॉपिक हैं जो हम सीरीज के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें से ये तीनों सिर्फ बैंकिंग के अंदर पूछे जाते हैं। बाकी के जो 7 टॉपिक बचते हैं ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या भी आप दिल्ली पुलिस देने जा रहे हो तो वहां पर भी ये सारे के 7 पूछेगा। लेकिन बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 टॉपिक है जो बैंकिंग के फेवरेट है, और रीजनिंग में यही से क्वेश्चन ना आता है। अब आज हम जो करने वाले हैं वो अल्फाबेटिकल सीरीज होगा। अल्फाबेट्स कितने होते हैं? अल्फाबेट्स 26। अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं, और उन 26 अल्फाबेट्स को हमें अल्फाबेटिकल सीरीज में पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। अगर आपको ये बात पता है तभी आप चीजों को कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आया है। अब इसे याद करना भी एक क्या है, महाभारत है काफी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन एक ट्रिक है जिसके तरीके से हम इन अल्फाबेट्स को विद इन सेकेंड्स याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक है इजोटी, इजोटी। और ये इजोटी हमें क्या बताता है कि ई 5वें नंबर पर आता है, जे 10वें नंबर पर, ओ 15वां पर, और टी जो है वो 20वें पर, और वाई आता है 25वें पर। अब इसके अकॉर्डिंग हम विद इन 2 सेकेंड्स, उससे भी कम समय में हम बता सकते हैं कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आना है। लेकिन इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। जैसे मैं बात करता हूं एफ, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए एफ किस पे आएगा, भाई किसके पास है ई के तुरंत बाद आता है एफ, तो 6ठे नंबर पर होगा एफ। देखो कितनी आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बात की एल की, किसकी बात कर रहा हूं? एल की। अब एल किसके पास आता है? मुझे पता है जे के तुरंत बाद, जे के एल, 10वें पर ये, 12वें पर एल, 12वें पर क्या आ गया? एल, पता लग गया। अब बात कुछ ऐसे ही आप बता, जैसे मैं बात करता हूं जेड की, तो सभी को पता है जेड तो भाई 25वें पे वाई है, जेड वैसे भी आखिरी है तो 26वां। अगर मैं बात करूं आर की, आर किसके पास आएगा? तो टी है 20वें नंबर पर, और आर एस टी मतलब एस 19वें पर, तो आर कौन से पर हो गया? 18वें पर। तो आप देख रहे हैं कि विद इन 2 सेकंड से भी कम समय में ही बता रहा हूं। आप भी अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसकी, ये आपको याद हो जाएगी। अब कुछ और ट्रिक्स है, कुछ ऐसे अक्षर है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो खुद को ही दिखा देते हैं कि वो कौन से नंबर पर आएंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं आई, मैंने क्या लिखा? आई। आई के अंदर क्या छुपा है? 9। आप ध्यान से देखो, आई को हम ऐसे बनाते हैं और 9 भी ऐसे ही बनता है, तो आई 9वें नंबर पर आता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं जैसे जी की,
ध्यान से देखो, जी हम ऐसे लिखते हैं, जी लिखते हैं ऐसे, ऐसे ही बनता है। तो जी के अंदर यहां पे तुम्हें सात दिख रहा होगा, तो जी जो है वो सातवें नंबर पर आता है। अगर मैं बात करता हूं एम की, एम को थोड़ा सा उल्टा करके देखो, ये कौन से नंबर पर दिखेगा तुम्हें, इसके अंदर तीन दिख रहा होगा, तीन हम ऐसे बनाते हैं। तो भाई तेईसवें नंबर पर तो एम आता नहीं, तो बचा कौन से पर, तेरहवें पर। अब तुम्हें आप बोलोगे सर फिर डब्ल्यू भी तो ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है, डब्ल्यू भी ऐसा ही है, उसके अंदर भी मुझे तीन दिख रहा है, तो ये तेईसवें नंबर पर, ठीक है। तो ये आ गया तेईसवें नंबर पर। तो कुछ ये वर्ड थे, और इसमें एक और है एच। एच कौन से नंबर पर आएगा, एच को कर दो ऊपर से गोल, ये ले नीचे से भी गोल, और ये बन गया एट, तो आठवें नंबर पर आता है एच। तो यार एक दो तीन चार पांच, सोलह में से दस तो आपको विद इन सेकेंड्स याद हो गए, सॉरी छब्बीस में से दस तो आपको, इजोटी, इजोटी कौन कौन से नंबर पर है, पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस, और आई जी ये पांच ही, दस तो तुम्हें वैसे ही याद हो गए, इनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। अब जो बच गए तुम्हें सोलह, उसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, कैसे, जैसे अपनी कॉपी में लिखो माई नेम इज, जो भी आपका नाम है फलाना ढिमका, जैसे मेरा नाम है माई नेम इज आकाश। अब आपको करना क्या, प्रैक्टिस करना है इस पे, एम कौन से पे आया, एम किसके बाद आता है बताइए, किसके पास पड़ेगा, एम एन ओ, ओ है पंद्रहवें पर, उससे दो पहले, और एम के अंदर मुझे दिख रहा है तीन, तो तेरह। वाई किस पर आता है, पच्चीसवें पर, तो वाई का नंबर पच्चीस। एन किस पर आता है, एम के बाद तुरंत एन, तो फोर्टीन। ए पहले नंबर पर, एम फिर तेरह नंबर पर। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे दो चार मिनट ऐसे कुछ भी, या फिर एक पैराग्राफ इंग्लिश कर लेके प्रैक्टिस कर लेना, आपको सारे अल्फाबेट्स कौन सा किस नंबर पर आता है याद हो जाएगा, और इससे अब आपके क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे ध्यान से देखना, जैसे आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा, पहले मैं बताऊंगा आपको पूरा अच्छे से उस क्वेश्चन को पूरे तरीके से करके, और फिर बताऊंगा कि कैसे आप चुटकी बजाओ और क्वेश्चन कर जाओ। तो चलो भाई, क्वेश्चन ये है, विच लेटर विल बी टेन टू द राइट ऑफ नाइन ऑफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नौवे दाएं दसवां होगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन करना है, आधे लोगों को तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब मैं पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ चीजें बताऊंगा। आपने देखा ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये जाता है एक्स वाई जेड लास्ट पर, यही एबीसीडी है। जो एबीसीडी है भाई, ये हमारा लेफ्ट है ना, ये हाथ लेफ्ट, तो ये लेफ्ट पे आता है, ए किस पे आता है लेफ्ट पे, और जेड आता है राइट पे, जेड किस पे आता है राइट। हिंदी में लेफ्ट को हम बोलते हैं बायां, क्या बोलते हैं बायां, और इसको बोलते हैं दायां। ये बस सुन लो थोड़ी सी देर के लिए, बेसिक जानने के लिए सुन लो, वरना ये बाएं दाएं का खेल खत्म कर दूंगा आज तुम्हारी जिंदगी से। वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नौवे दसवे दायां होगा, देखो अब सुनो, विच लेटर विल बी टेंथ टेंथ टू द राइट ऑफ नाइन्थ ऑफ फ्रॉम लेफ्ट। इंग्लिश में क्वेश्चन को हमेशा लेफ्ट लास्ट वाले से पढ़ना है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से नोवा, लेफ्ट हैंड से नोवा, मतलब आई कहां से पकड़ना है आंसर इंग्लिश में, लास्ट से, लास्ट में क्या है लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड क्या था, ये था लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से नोवा, नोवा खुद बनाता है आई, आई के तुरंत बाद उसने क्या बोला है, विल बी टेन टू द राइट, इसके राइट मतलब इधर ही जाएगा, और इसके और आई के दसवां जब जाओगे तुम, विल बी टेन टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो कौन सा बनेगा, बताओ जल्दी से भाई, नोवा ये हो गया और दसवां राइट बोल रहा है, तो उन्नीसवां अक्षर जाके बन रहा होगा, कौन सा अक्षर बनेगा, उन्नीसवां, उन्नीसवां बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, नोवा लेफ्ट पे आ गया, नोवे के बाद दस राइट जाना है, तो नाइन नो और दस कितना बन गया, नोवा और दसवां उन्नीसवां, टोटल उन्नीसवां वो अक्षर होगा, और उन्नीस पे इजोटी के हिसाब से क्या आता है टी, और टी से पहले क्या आता है एस, तो आंसर क्या होगा एस, आंसर क्या होगा एस। अब इसे देखो, वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नोवा, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, बाएं से नोवा, बाएं से नोवा क्या आया आई, और उसके दाएं दसवां, और उसके दाएं दसवां कौन सा होगा एस, ठीक है। ये था थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना। अब जब तुम्हें ये देखना ही ना हो कि सीधा ट्रिक से जवाब देना हो तो कैसे करोगे, देख लो ये क्या लिखा है राइट, ये क्या लिखा है लेफ्ट, जब राइट और लेफ्ट हो तो मतलब प्लस होगा भाई, आप अपोजिट जेंडर एक दूसरे के प्रति क्या होता है अट्रैक्ट होता है,
तो रेफ्ट और लाइट अलग अलग है तो दोनों एड होंगे, एक जैसे होंगे तो दोनों माइनस होंगे, दूर भागते हैं, ठीक है। तो वही चीज लेफ्ट और लेफ्ट प्लस, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस और लेफ्ट राइट प्लस। अब देखो यहां पे क्या आया था, विच लेटर विल बी टेन टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। आंसर इंग्लिश में पीछे से लेना है, तो कितना हुआ लेफ्ट एंड, लेफ्ट है राइट है मतलब दोनों आपस में एड होने हैं, पीछे से नोवा दसवा कौन सा बना आंसर उन्नीसवा, सीधा आंसर उन्नीस पे क्या आता है, यहां से देखो यहां पे आगे से देखोगे क्या है नोवा और पीछे से क्या है दसवा, दोनों अलग अलग है, बाया आया दाया आया दोनों अलग अलग है, ऐड कर दो उन्नीसवा, उन्नीसवे प्लेस पे जो है वही आंसर है। तो सेकंड का अंदर आंसर आया, समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन से देखो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है फिफ्थ टू द राइट ऑफ इलेवंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट ऑफ इलेवंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ इलेवंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है, हिंदी में बाएं से, बाएं से ग्यारहवें के दाएं पांचवा, ग्यारहवें के दाएं पांचवा। अब इसका कैसे निकालेंगे, देखो फिफ्थ टू द राइट, यहां राइट है यहां है लेफ्ट, यहां क्या है बाएं से ग्यारहवें के दाएं पांचवा। हम इंग्लिश में आंसर पीछे से निकालेंगे, कहां से निकालेंगे पीछे से, और हिंदी में अगर हिंदी में हो, हिंदी भाषी हो आप, हिंदी में पढ़ते हो तो आप पहले आगे वाला देखेंगे, ठीक है। अब यहां देखो क्या है राइट, यहां क्या है लेफ्ट, दोनों अलग अलग, जब दोनों अलग अलग है तो आंसर में क्या होगा एडिशन, क्या होगा एडिशन, तो 11 और 5 16। अब लेफ्ट एंड है तो लेफ्ट एंड क्या था एबीसीडी मतलब इधर जाएगा, तो कितना लेफ्ट एंड से 16वां, और 16वें पर क्या आता है हमें पता है ईजोटी, ओ आता है कौन से नंबर पर 15वें पर, पी आएगा 16वें पर, आंसर क्या होगा पी। हिंदी के अकॉर्डिंग देखो बाएं से ग्यारहवें के दाएं पांचवा, बाया बाया हाथ ये था, इसके ग्यारहवा, इससे ग्यारह पे जाओगे और उसके दाएं, उसका राइट हैंड यही होगा, तो सोलवा ही अक्सर यहां पे बना क्योंकि यहां भी बाया दाया दोनों ऐड हो गए, सोलवे पे बाएं से कौन सा आएगा, बस ये देखना कि लेफ्ट हैंड है, यहां पे लेफ्ट हैंड है तो मतलब इधर, अगर राइट हैंड आता तो इधर। चीजें समझ में आ रही है अच्छे से, तुम्हें भी आया थोड़ा बहुत, ठीक है चलो भाई आगे देखते अगला क्वेश्चन। अब विद इन सेकंड्स आप जवाब देना स्टार्ट कर दोगे, पैन भी उठाने की जरूरत नहीं होगी, सीधा आंसर बताओगे। जैसे अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाएं से पंद्रहवें के बाएं का चौथा, पंद्रहवें के बाएं का चौथा अक्सर आपको बताना है कि कौन सा होगा, ये पूछा है। अब एक चीज बताओ यहां क्या है लेफ्ट, यहां पे क्या है लेफ्ट, मैंने बताया जब दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस, तो हम क्या करेंगे लास्ट वाला पकड़ो, इंग्लिश का क्या पकड़ना है लास्ट, मतलब लेफ्ट हैंड से हमें आंसर बताना है, कहां से बताना है आंसर लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट पे क्या आता है एबीसीडी, तो 15 में से 4 गए कितना बचा 11, तो मतलब एबीसीडी से 11 अक्षर लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो यहां से 11वें अक्षर पर क्या आता है भाई जे आता है, जे आता है 10वें पर, तो 11वें पर क्या आएगा के, 11वें पर क्या आएगा के, यही आंसर है, करने की भी जरूरत नहीं थी, तो के इज द करेक्ट आंसर। अगर हिंदी से देखना हो तो बाएं से 15वें के बाएं चौथा, यहां भी बाएं आया है, यहां भी बाएं आया है, तो बाया और बाया माइनस, 15 में से 4 गया 11, और अब आंसर कहां सा होगा बाएं से, क्योंकि हिंदी में हम पहले देखेंगे पहले क्या लिखा है, इंग्लिश में लास्ट में क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो, और यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते थे काफी स्टूडेंट बहुत दिमाग खराब करके तब जवाब देते थे। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी चीजें कराऊंगा अगली क्लास में। सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ, सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड फ्रॉम राइट एंड, थर्ड फ्रॉम
राइट एंड, क्या बोला, सेवन टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड फ्रॉम राइट एंड, हिंदी में लिखो दाएं से तीसरे के बाएं सातवां, दाएं से तीसरे के सातवां अक्षर क्या होगा। अब क्वेश्चन बदला, अब यहां पे क्या आ गया, राइट हैंड से आंसर बताना है, कहां से बताना है, राइट हैंड से, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया राइट हैंड, और राइट हैंड पे क्या है जेड। अब यहां दाएं से, स्टार्टिंग में क्या आ गया हिंदी वाले दाएं, पहला वर्ड दाएं, तो मतलब जेड से आंसर बताना है। लेफ्ट और राइट दोनों आपस में क्या है, अलग अलग है, तो आंसर प्लस होगा कि माइनस होगा, मतलब सात और तीन तो आपस में एड हो जाएंगे, दस, दसवां बना, लेकिन दसवां कहां से, राइट हैंड से, मतलब जेड की तरफ से दसवां। अब उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सत्ताईस में से दस को घटा देंगे। अब काफी बच्चे बोलेंगे सत्ताईस में से क्यों घटाया, सत्ताईस में से घटाने का इसलिए रीजन है, जब भी हम रैंकिंग आपने चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो बताते, जब भी हम पीछे से काउंट करना करते हैं तो एक एक्स्ट्रा लेते हैं, तो टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, छब्बीस, जेड कौन से नंबर पर आता है, छब्बीसवें नंबर पर, छब्बीसवें से बताना है कि दसवां अक्षर, तो हम छब्बीस ना लेके सत्ताईस लेंगे, और सत्ताईस में से दस घटा देंगे तो कितना बच गया, सत्रह, कितना बचा, सत्रहवां। अब जो सत्रहवें नंबर पर आता है वही अक्षर इसका आंसर है। पंद्रहवें पर क्या आता है, ओ पी क्यू, कौन सा क्यू हुआ कि आर, सोच लो, देखो भाई इजोटी, ये हुआ पंद्रहवें नंबर पर पी क्यू, तो क्यू इज द करेक्ट आंसर, Q इज द करेक्ट आंसर, Q आता है सत्रहवें नंबर पर, तो आंसर क्या हुआ Q। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 27 क्यों लिया, क्योंकि यहां पर आंसर हमें लेफ्ट हैंड से नहीं देना था, राइट हैंड से देना था, और राइट पे जेड आता है, जेड 26वें नंबर पर आता है, और जब हम पीछे से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे काउंटिंग करो, एक दो तीन चार पांच छह सात, आपसे पूछे कि दाएं से चौथा अक्षर बताओ, क्या पूछे, दाएं से चौथा अक्षर, तो वन टू थ्री फोर ऐसे आप काउंट करोगे, तो एक एक्स्ट्रा बांध के करेंगे, कैसे, जैसे आठ में से जब तुम चार घटाओगे तब कौन सा अक्षर बनेगा, चौथा, तो एक दो तीन चार यही बनेगा। अगर तुम सात में से चार घटा दोगे ना, तो क्या आंसर क्या बन रहा होगा, तीसरा, और तीसरा क्या बनता है यहां पे, एक दो तीन, पांचवा, तो आंसर गलत हो जाता है, इसलिए हम हमेशा एक एक्स्ट्रा मान के घटाते हैं, क्योंकि उसने क्या पूछा था, राइट से चौथा अक्षर, तो मतलब आठ में से चार घटाओ तब चौथा अक्षर आएगा, ये नहीं कि सात में से तुम तीन घटा दोगे और आंसर आ जाएगा, सात में से चार घटाओगे तो तीसरा अक्षर दिखाएगा जो पांच होगा, इसलिए हम रैंकिंग में एक एक्स्ट्रा लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिखा दिया, फिर से देख लो समझ में आया, जैसे मैं बोलता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट नाइन, मैंने पूछा नाइन पीछे से पांचवा अक्षर, मैंने क्या पूछा पीछे से पांचवा अक्षर, अब पीछे कौन सा अक्षर है भाई, नो, अगर आप नो में से पांच घटा दोगे मतलब चौथा का आ जाएगा, एक दो तीन चार, क्या ये सच में पीछे से पांचवा अक्षर है, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे दस में से पांच घटाएंगे तब हमारा आंसर इसका सही आएगा, क्योंकि वो पांचवें नंबर पर लेकर जाएगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा क्लास, बाकी अगली क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपको और चीजें समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, अगर अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं, मेरा नंबर लिख रहा है इस पे मैसेज करके ₹30 आपको पे करने होंगे, आज ही जुड़ जाना, बहुत सारे मटेरियल करंट अफेयर्स वगैरह बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, तो ₹30 में बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए आपका वेट कर रही है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर भी करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।